नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनुवाणी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि कोई व्यक्ति खुद को मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी मात्रा में हैं और उस सनातन धर्म में मंदिर का काफ़ी महत्व है। और दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे भव्य और दिव्य मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर माता जी या भगवान जी के दर्शन करने के लिए हमको मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। तो मित्रों, ये चीज़ हम अपने वास्तविक जीवन में देखते रहते हैं और अनुभव करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको सपने के माध्यम से भी दिखाई पड़ सकती है। तो ये किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सपने में खुद को मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा है, तो इस सपने को देखने का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय स्वप्न ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति ने सपने में खुद को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा है तो यह सपना देखने वाले उस व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ होता है और सकारात्मक स्वप्न है। दोस्तों, यह सपना कोई अशुभ स्वप्न नहीं है। दोस्तों, सपने में खुद को मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखने का मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको अचानक कहीं से बड़ा मुनाफा हो सकता है, बड़ा धन लाभ हो सकता है, साथ ही साथ आपको भविष्य में मिलने वाली सफलता का सूचक है। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय जो है वो सकारात्मक पूर्वक व्यतीत होगा, यानी कि सकारात्मकता के साथ व्यतीत होगा और आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा और आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर यह सपना देखना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शुभ एवं कल्याणकारी होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुँच सके। और मित्रों, यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है, आप किसी ने सपने का मतलब जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर भी शीघ्र देंगे। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।